सब्सक्राइब कीजिए कैपिटल न्यूज पलामू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए पलामू की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए। बच्चों में बढ़ते कीटाणु के प्रकोप और इससे होती बीमारियों के रोकथाम के लिए पलामू में 8 फरवरी से 15 फरवरी तक कृमि सप्ताह मनाया जाएगा, जिसका शुभारंभ उपायुक्त अमित कुमार स्थानीय मिशन स्कूल में करेंगे। सिविल सर्जन पलामू की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में बताया गया कि 1 से 19 साल तक के सभी बच्चों को दवा खिलाने का लक्ष्य है। इसके पीछे वजह है कि तकरीबन 8 लाख बच्चों के लिए दवा की मांग पलामू से की गई थी। गंदगी और बढ़ते कीटाणु की बीमारी को देखते हुए करीब 9.5 लाख दवाइयां मंगाई गई है, जो सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों के माध्यम से छोटे बच्चों को चम्मच के माध्यम से और बड़े बच्चों को चबा चबा कर खाने का विशेष रूप से निर्देश दिया गया है। दरअसल इतनी बड़ी संख्या में 1 से 19 साल तक के बच्चों के लिए दवा आने से इसे जड़ से समाप्त करने का निर्णय ले लिया गया है। राष्ट्रीय कृमि दिवस पर पलामू में 8 फरवरी को तो दवा खिलाया ही जाएगा, इसके साथ ही बचे हुए नन्हे मुन्हों को 19 फरवरी तक चबा कर खाने की दवा उपलब्ध कराई जाएगी। राष्ट्रीय कृमि दिवस 8 तारीख से शुरू हो रहा है। 8 लाख बच्चे डॉक्यूमेंटेड हैं, 9.5 लाख टेबलेट हम लोगों को प्राप्त हो चुका है, टेबलेट डिस्ट्रीब्यूट हो भी गया और गंतव्य तक पहुंच भी गया। बच्चे 1 बरस से लेके 19 बरस तक के बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। जो कॉलेज में भी हैं उनको भी दिया जाएगा। दवा को चबा के खाना है, निगलना नहीं है। जो बच्चे हैं जो चबा नहीं सकते उनको चूर्ण करके चम्मच के माध्यम से दिया जाएगा और जो एडल्ट हैं उनको चबा लें।